हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये है रामबाग का मेला। तो ये बहुत प्रसिद्ध शिव जी का मंदिर है। वहाँ पे पूजा और मेला होता है। ये शिवरात्रि के टाइम ही होता है फ्रेंड्स। तो ये पहले का ही वीडियो है फ्रेंड्स, जब मैं शिवरात्रि के टाइम गई थी तो मैं डाल नहीं पाई थी फ्रेंड्स। तो अभी मैं डाल रही हूँ वीडियो। तो ये इसकी भी बहुत पुरानी कहानी है फ्रेंड्स। 300-400 साल पुराने टाइम पे यहाँ पे कोई राजा वगैरह रहते थे। तो उनको सपने में, उनके बच्चे बच्चे नहीं होते थे, और उन्होंने सपने में ये देखा था जो शिव जी का मंदिर है। तो उन्होंने, उनको बोला गया था, शिव जी के सपना आया था। तो उन्होंने बोला था जो यहाँ पे शिव जी जाके देखो, वहाँ पे टीले के ऊपर शिव जी का मंदिर बना है, उसकी आप पूजा करेंगे तो आपके घर में बच्चा बच्चा होगा। तो वहाँ पे जाके, सुबह जाके उन्होंने देखा, खोदा, तो वहाँ पे शिवलिंग था। और उन्होंने वहाँ पे पूजा अर्चना की, और उन करने के बाद उनके घर में बच्चे हुए। तो उनके खानदान के अभी भी एक यानी कि बुजुर्ग हो गए हैं, वो जिंदा है। तो उनसे पूरा कहानी सुना था, तो बहुत ही अच्छा लगा। और फ्रेंड्स, ये बहुत पुराने टाइम से हम लोग भी जब छोटे थे तब से आते हैं। बहुत अच्छा मेला लगता है। और शिव जी की जितने भी लोग जाते हैं कांवड़ लेने के लिए, तो यहीं पे आके आराम करते हैं और शिव जी पर जल डाल के ही व्रत तोड़ते हैं। तो बहुत ही खुशी और बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ मनाया जाता है। बहुत अच्छा, देखिए बहुत बड़ा मेला लगता है, पूरा 15-20 दिन लगता है ये मेला। तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर। देखिए तो ये देखिए पूरे मेला में बहुत अच्छा। और झलक यहाँ पे बोल रही थी मुझे ये ले दो वो ले दो। तो मैं फ्रेंड्स अभी मंदिर पहले दर्शन करूँगी, फिर झलक को सामान वगैरह लेके दूँगी। तो ये आ गए हम लोग मंदिर की एंट्री। तो ये देखिए ऊंचाई पे है, तो ऊंचाई पे ही मिला था, टीले के ऊपर ही बना हुआ था। यहाँ स्कूल वगैरह है, स्कूल भी है, और वहीं पर लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो शिव जी का मंदिर बहुत पुराने टाइम से ही है फ्रेंड्स ये। तो ये जा रही है झलक की मामी, और झलक क्या भी जाएगी मंदिर में। तो बहुत अच्छा, मैं बाहर से वीडियो बना रही थी। तो देखिए यहाँ जो यानी कि पुजारी वगैरह साइड में बहुत लोग थे, और यहाँ पे पूजा वगैरह हो रही थी। तो ये हम लोग दोपहर के टाइम पे आए थे ना फ्रेंड्स, तो लोग कम थे, लेकिन यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, पैर रखने की जगह ही नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है फ्रेंड्स। और देखिए यहाँ पे ये शिव जी की मूर्तियाँ और रंग वगैरह, जितना सिंदूर और धागे वगैरह, ये सारी चीज़ें, बहुत चीज़ें बेचने को था। स्टॉल लगे हुए थे बहुत अच्छे अच्छे तो यहाँ मेला लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। झूला वगैरह भी लगा हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स मुझे। और हम लोग जब छोटे थे, मम्मी के साथ आती थी, मम्मी पापा के साथ, तो बहुत ही अच्छा लगता था, तब बहुत ही इंजॉय करते थे। और इसी गांव में मेरे पापा के मामा मासी वगैरह भी हैं, तो हम लोग यहाँ पे आके रुकते थे, और कई कई दिन तक यहाँ रुक के फिर पूजा वूजा देख के फिर जाते थे। और एक बार ना मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो ख़राब होने की वजह से मेरा जो बड़ा भाई है उसने मन्नत रखा था जो मेरे पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं हरिद्वार जाके कांवर लेके आऊँगा। तो मेरे पापा ठीक हो गए थे। होने के बाद मेरा भाई हर साल जाता था, 3 साल लगातार गया वो, और जाता था और यहीं पे जल डालने के लिए आते थे। तो हम लोग भी उसकी यानी कि वो करने के लिए, जैसे स्वागत करने के लिए, हम लोग यहाँ पे पहले से ही आ जाते थे, और मेरे भाई को लेके जाते थे घर, तो जल वगैरह डाल के। तो बहुत अच्छा लगता था फ्रेंड्स, मम्मी पापा सब मिल के फ्रेंड्स। अब मम्मी पापा है नहीं तो उनकी याद आती है, अच्छा नहीं लगता है कहीं जाने के बाद भी, क्योंकि साथ में ही जाते थे। तो एक माँ बाप के साथ तो बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हर किसी को। तो अभी झलक को लेके और झलक की बड़ी मामी हम लोग आ गए थे। मैं आना नहीं चाह रही थी, मेरा मन ही नहीं लग रहा था जाने का, लेकिन मेरी जो बड़ी भाभी है वो बहुत ही बोल रही थी चलो चलो, तो मैं उनके साथ आ गई थी। तो देखिए यहाँ कैसा मेला लगता है, किस किस को मेला पसंद है फ्रेंड्स, जो कमेंट करके बताइएगा। मेला तो ऐसे ही होता है, देखिए स्टॉल में डॉल वगैरह, जो बच्चों के सामान छोटे मोटे जो भी होते हैं वही सब लगे हुए थे। तो
दोपहर का बहुत ज़्यादा गर्मी था और दोपहर का टाइम था तो बहुत लोगों की भीड़ बिल्कुल कम थी और म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, गाने वाने लग रहे थे तो मैंने म्यूट कर दिया था। तो देखिए फ्रेंड्स, ये झलक ने बहुत सारे टॉयज़ वॉयस लिए थे और झलक के भाई ने भी लिया था। देखिए ये वॉल वगैरह जो भी जो सामान लेना था लिया था उन लोगों ने। बहुत बड़ा मेला लगता है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा झूले वगैरह बहुत लगते हैं, तो झूले की तरफ हम लोग गए नहीं थे क्योंकि दोपहर का टाइम था, झूला वूला सब बंद था और शाम से ही पूजा यानी कि पूजा और मेला भी ज़्यादा अच्छा लगता है शाम को ही। तो हम लोग शाम को आ नहीं सकते थे क्योंकि झलक और उसका भाई भी छोटे हैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती, रश होता, तो उसके बीच में ना बच्चे घूम पाते ना ही हम लोग, तो इसीलिए तो हम लोग अभी देखिए यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं फ्रेंड्स। देख लिया पूरा मेला, तो वो देखने के बाद हम लोग अभी निकल रहे थे। देखिए तो यहाँ पे पूरे रास्ते में स्टॉल स्टॉल लगा हुआ है आगे तक बहुत ज़्यादा सारे, तो जितने भी यानी कि बर्तन वगैरह फिर खिलौने यही सब थे और मिठाई विठाई यही सब थे। देखिए पूरा लगा हुआ है सब चीज़ का स्टॉल, तो इस टाइम में लोग कुछ लोग आ रहे थे जा रहे थे क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं थे दोपहर का टाइम, इसलिए तो देखिए तो देखते देखते हम लोग निकल रहे हैं इस तरफ से आगे की तरफ। तो ये रामबाग पड़ता है फ्रेंड्स, आप लोग भी आए कभी तो ज़रूर यहाँ पे आइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। ये जो प्लॉटिंग वगैरह देखिए, अब बहुत जगह हर जगह में इतने लोग हो गए क्योंकि यह सब जगह पूरी खाली हुआ करते थे। पहले जब हम लोग आते थे तो बिल्कुल खाली खाली होता था, रोड वगैरह कच्ची रोडें होती थी। तो आज मैं आई हूँ तो बहुत साल बाद आई हूँ तो पूरा पक्का बना हुआ है, इधर से इतने सारे मकान वगैरह बन गए हैं, ये सब नहीं था फ्रेंड्स। तो बहुत साल हो गए क्योंकि मम्मी पापा के साथ आती थी तो मम्मी पापा की डेथ ही हो गए कम से कम 9-10 साल तो उससे पहले ही आती थी फ्रेंड्स। तो देखिए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने साल बाद यहाँ आई थी और भाभी के बहुत ज़्यादा कहने के बाद ही मैं आई थी क्योंकि मेरे को मन नहीं लग रहा था, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था और साथ में मम्मी पापा जाते तो अच्छा लगता, अकेले फिर वही चीज़ हो रहा था, मन में आ रहे थे मम्मी पापा की याद। तो ये देखिए झलक भी फिर परेशान कर रही थी थोड़ा सा, और यहाँ पे देखिए लोगों ने खेती वेती इतना ज़्यादा लहसुन वगैरह बना रखे लगा रखे हैं, और यहाँ पे आगे की तरफ पापा की मौसी का घर भी है। तो अभी दोपहर का टाइम है, मेरा मन भी नहीं कर रहा था किसी के यहाँ जाने का तो हम लोग नहीं गए थे और घर की तरफ ही निकल गए थे। तो ये देखिए तो हम लोग अभी अभी घर चलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।